कैंट स्टेशन के करीब सीटीडी एहलकार ने साथी समेत अदालत लगा ली। एक शहरी को डकैत करार देकर जान से मार डाला। मोबाइल फोन की दुकान पर आने वाले शहरी पर डकैती का इल्जाम लगाया। दुकानदार और इसके साथी पुलिस एहलकार ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस मौके पर पहुंची और शहरी को थाने ले आई, जहां उसका खून बहता रहा। लाश जिना अस्पताल लाई गई तो मकतूल के बेटे और पुलिस में तलकलामी हुई। मकतूल के बेटे का कहना है कि वालिद ने इसे थाने बुलाया, लेकिन पुलिस से मिलने नहीं दिया। अबू मेरे को जब वो बोलते हैं थाने में हम ले आए ना, ये बिल्कुल ठीक थे। उन लोगों ने बोला कि ये सलाखों में अपना सिर, कोई मारता है अपना सिर सलाखों में? आप मारोगे अपना सिर सलाखों में? नहीं मारोगे ना। फिर उन लोगों ने मेरा सलाखों में मारा, कभी मर गए? कैसे मर गए यार? पुलिस ने दुकानदार और सीटीडी के एहलकार को शिकंजे में लेकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जहां मुलजिमान तशद्दुद से ही साफ मुकर गए। दो चार थप्पड़ मारे हैं और ऐसा तो खुद बाइक पे बिठा के जिंदा थाने में लेके आया हूं। उसमें जो पुलिस वाले का कह रहे हैं, वो पुलिस वाला हमने पकड़ा हुआ है, वो सीटीडी का सिपाही है। शहरी गुलाम सरवर के कत्ल ने कई सवाल उठा दिए। पुलिस जख्मी शहरी को अस्पताल के बजाय थाने क्यों लेकर गई? अगर थाने में हलाकत हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है? कैमरामैन आसिफ खान के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़ कराची।